नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार पवन सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक गाना गाया है और इसके अलावा चौकीदार चोर है पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो वही आप आज के इस खास प्रोग्राम में जानने वाले हैं कि आखिरकार पवन सिंह किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से उनकी जीत का ऐलान कर रहे हैं और इन सब के अलावा किस तरीके से गाना गाते हुए इस बार पवन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, उसके लिए आज हम आपके लिए एक बेहद खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो वही आपको दिखाते हैं ये बेहद खास रिपोर्ट जिसमें पवन सिंह जो है इस बार जहां सपोर्ट करते हुए आए हैं एक नेता को भी। जी हाँ, एक नेता को जहां उन्होंने सपोर्ट किया है तो वही भाजपा के लिए इस बार उन्होंने काफी ज्यादा तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और तो और उन्होंने भाजपा की तारीफों के पुल बांधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। छठे चरण के तहत शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं और इसके चलते प्रचार प्रसार भी जोरों पर चल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी में शामिल भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं और उन्होंने यहां पर गीत गाकर यानी कि गाना गाकर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने की अपील की है। और तो और इस दौरान उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर नहीं बल्कि प्योर है और यही वजह है कि उसका दोबारा पीएम बनना श्योर है। आपको बताना चाहेंगे हम घोड़ा सहन पहुंचे पवन सिंह ने यहां से बीजेपी प्रत्याशी रमा देवी के लिए प्रचार प्रसार किया और उन्होंने जनता से अपील की कि रमा देवी को ज्यादा से ज्यादा मत देकर विजयी बनाए। साथ ही साथ अपने भाषण की शुरुआत ही पवन सिंह ने महागठबंधन पर भोजपुरी में निशाना साधते हुए कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाले नेताओं को आपस में लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, वो क्या विकास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए और भाजपा के नेता केवल विकास की ही बातें करते हैं। साथ ही साथ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवहर से प्रत्याशी रमा देवी ने कहा वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सजग रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिवहर की जनता के आशीर्वाद और प्रेम के कारण ही उन्हें बेस्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला। वो पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है। इस मौके पर चरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, पूर्व विधायक श्याम विहारी प्रसाद, पवन जायसवाल, जदयू नेता राम पुकार सिन्हा समेत कई सारे एनडीए के नेता भी मौजूद थे। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरीके से निरहुआ, जिस तरीके से पवन सिंह इस बार नारे लगाते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो उससे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई मोदी जी की जीत को जहां बिल्कुल बिल्कुल निश्चय कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल तय कर दिया है पवन सिंह ने, तो वही इसी तरह से बीजेपी का खुलकर उन्होंने प्रचार भी किया है। जी हाँ, सरेआम जहाँ उन्होंने गाना गाया है, खुलकर उन्होंने गाना गाया है, तो वही जिस तरीके से वो प्रचार करते हुए इस बार देखे गए, उनका ये प्रचार करने का तरीका बेहद ही अलग था। ये बात शायद आप सभी जानते ही होंगे कि बीते काफी दिनों से ही चौकीदार चोर है के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। और तो और खुद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, जी हाँ, राहुल गांधी ने भी ये नारे लगाए जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका भी दर्ज हुई थी। तो वहीं इस नारे ने जहाँ पूरे देश भर में जोर पकड़ा हुआ है, तो वहीं इसी नारे पर अब क्या बोला है पवन सिंह ने अपने जाना होगा। तो वहीं उसके अलावा आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए हमेशा से ही खड़े हुए दिखते आए हैं पवन सिंह और इस बार भी उन्होंने बीजेपी का पूरा पूरा साथ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने तारीफें तो की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, इसके अलावा रमा देवी जिनको हाल ही में पुरस्कार भी मिला था उनकी भी उन्होंने काफी ज्यादा ही तारीफ की है और साथ ही उनके लिए वोटों की अपील करते हुए पवन सिंह को देखा गया और पवन सिंह का ये प्रचार इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।